नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपका अपने चैनल संजय टेक अपडेट्स में। आज की वीडियो में बात करेंगे स्कॉलरशिप के बारे में। अगस्त 2022 में 5 स्कॉलरशिपों में आप अप्लाई करके स्कॉलरशिप पा सकते हैं। ये गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है और इसको 10वीं क्लास जो पास कर गए हैं बच्चे वो इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो देख लेते हैं ये पांचों स्कॉलरशिप कौन कौन सी स्कॉलरशिप है। 10वीं और 12वीं कक्षा पास करने के बाद कई छात्रों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उनको हायर एजुकेशन के लिए दिक्कत आती है। तो उन दिक्कतों को ना आए उनको दिक्कत ना आए तो उनको दिक्कत ना आए तो उनके लिए गवर्नमेंट स्कॉलरशिप चलाती है। ठीक है, सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप चलाई जाती है ताकि वो अपना करियर बना सकें। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि बहुत से बच्चों को स्कॉलरशिप के बारे में पता ही नहीं चल पाता कि क्या स्कॉलरशिप चल रही है और वो उसका बेनिफिट नहीं उठा पाते। तो आज हम कुछ स्कॉलरशिप के बारे में बताने जा रहे हैं ताकि उन स्टूडेंटों को मदद मिल सके कि कौन सी स्कॉलरशिप चल रही है और उसको अप्लाई कर पाए। ठीक है, नंबर एक है प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप योजना, जो 10वीं पास छात्रों के लिए प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप योजना चलाई जाती है। इस योजना की शुरुआत साल 2016 में हुई थी लेकिन बीच में कुछ कारणों की वजह से इसे बंद कर दिया गया था। अब एक बार फिर से इसको स्टार्ट किया गया है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस स्कीम के तहत हर महीने छात्रों को ₹2500 और छात्राओं को ₹3000 दिए जाते हैं। जो भी स्टूडेंट इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो NSP पोर्टल पर जाकर इसको अप्लाई कर सकते हैं, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाकर इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है NCERT स्कॉलरशिप। 10वीं पास छात्रों के लिए NCERT की तरफ से स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलाया जाता है। इसके लिए 2 फेज में टेस्ट होता है। इसे पास करने वाले छात्रों को इस योजना का लाभ दिया जाता है। पहले फेज में राज्य शिक्षा अनुबंध एवं प्रशिक्षण विभाग टेस्ट का आयोजन करता है। वहीं दूसरे चरण में नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम का आयोजन होता है। इसमें सिलेक्ट होने वाले स्टूडेंट को हर महीने ₹1250 की छात्रवृत्ति दी जाती है। इस संबंध में जानकारी के लिए आपको वेबसाइट ncert.nic.in पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप है, जो ये ऐसे छात्र जिनके पेरेंट्स की सालाना आय ₹1.5 लाख से कम हो उनके लिए स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी की ओर से नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप चलाया जाता है। टेस्ट के जरिए छात्रों का सिलेक्शन होता है। जो छात्र चुने जाते हैं उन्हें ₹12000 सालाना की स्कॉलरशिप दी जाती है। वेबसाइट scholarship.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको इसकी पूरी वीडियो देखनी है तो मैंने उसको एक वीडियो बना रखी है, मैं उसका लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा, आप उसको दे सकते हैं। ठीक है, CBSE सिंगल गर्ल चाइल्ड मेरिट स्कॉलरशिप माता पिता की इकलौती बेटी के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन CBSE की तरफ से सिंगल गर्ल चाइल्ड मेरिट स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलाया जाता है। जिन भी छात्राओं की योजना के लिए सिलेक्शन होता है उन्हें हर महीने ₹500 की स्कॉलरशिप दी जाती है और इसका जो आवेदन प्रक्रिया है वो CBSE की बोर्ड पर ही इसको आवेदन किया जा सकता है। ठीक है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर माइनॉरिटीज यानी कि अल्पसंख्यक मंत्रालय इस स्कॉलरशिप को चलाता है। अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटीज में कौन कौन आता है, देखिए जैन धर्म, सिख, ईसाई, बौद्ध, मुस्लिम, इस तरह से ये जो स्टूडेंट होते हैं इस धर्म के तो वो इस स्कॉलरशिप को ले सकते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभाशाली छात्रों के लिए भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय की तरफ से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटीज प्रोग्राम चलाया जाता है। ऐसे बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए बेहतर अवसर और आगे बढ़ाने के लिए स्कीम को चलाया जाता है। इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट minoritiesaffairs.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये 5 गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप हैं जिससे आप फायदा उठा सकते हैं। इनका सेशन शुरू हो चुका है और लास्ट डेट किसी की अगस्त में है, कोई तो किसी की सितंबर में है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।